मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस का महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे, हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा हमने फैसला कर लिया है, सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर भी, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं, उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है, क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है, आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है उसके अकॉर्डिंग स्कीम बना सकें। ये फैसला किया है, मैं अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करूँगा।